वहीं उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का तेजी से बढ़ रहे जलस्तर के चलते संगम नगरी बाढ़ के मुहाने पर पहुंच गई है। लगभग 36 लाख क्यूसेक पानी आ जाने से दोनों नदियां उफान पर पहुंच गई हैं। शनिवार रात से दोनों नदियां खतरे के निशान की ओर बढ़ चली है। सोमवार को भी गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि लगातार जारी है। गंगा का पानी संगम क्षेत्र में बांध के नीचे तक आ गया है। इसे देखने के लिए देर रात लोगों की भीड़ लगी रही। गंगा और यमुना के तटवर्ती कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। कई परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। तेज बारिश के कारण रेलवे अंडरपास डूब गया। दर्जनों गांव बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं। कल राती से पानी भरना स्टार्ट हुआ। अब छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमारे दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। क्या क्या दिक्कतें हो रही है? अरे आने जाने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, छोटे बच्चे क्या खिलाए, बोट नाव के आदमी काम कर नहीं जाएंगे, बच्चे खाएंगे। हाँ सहयोग चाहिए हमें, क्योंकि हमें सहयोग, नाव लगना चाहिए आने जाने के लिए। भाई बच्चे भूखन मर रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था चाहिए। अच्छा पानी और बढ़ेगा तब आप लोगों की क्या हालत है? अरे अब इसी में मरना है, इसी में जीना है, और कहीं जगह तो है नहीं। राहत शिविर में नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं।